After shedding light on girlfriends and their tantrums in Pyar Ka Panchnama series, the fantastic trio of Kartik Aaryan, director Love Ranjan and Nushrat Bharucha along with Sunny Singh is back on screens, but this time to declare a war between bromance and romance titled Sonu Ki Titti Ki Sweety. The trailer of the film was released at the Juhu PVR Mumbai and let me take you to the fun-filled afternoon. I'm very lucky that I got a love sir. और जितना ब्रोमांस जो भी जिंदगी में मैं मेरे छूटा हुआ था वो इन्होंने मेरे को मतलब इन फिल्में करके करवा के सब ब्रोमांस मेरे करवा दिए ब्रोमांटिक हीरो बना दिया मुझे तो आई एम रियली हैप्पी और बहुत निखारते जा रहे हैं हम लोगों को वो हमारे टैलेंट को वो ऑलरेडी निखरे हुए हैं सो आई एम रियली ग्लैड यार मतलब उनके साथ और वो भी बहुत ग्लैड है उनको हमारे साथ काम करने का मौका मिल रहा है कि मुझे अभी भी लगता है कि मेरी जो भी फिल्म पसंद आई है लोगों को वो इसलिए आई है क्योंकि उसमें मुद्दा कुछ ऐसा था जो जिससे लोग रिलेट कर पाते तो ये भी एक नया मुद्दा है जो शायद किसी ने फिल्मों में पहले देखा नहीं है हमने सास बहू की लड़ाई बहुत देखी है लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि जब हम बोलते थे तो पहले माना जाता था कि शादियां दो परिवारों में होती हैं लेकिन अगर आप सिटीज में अब देखें तो अब मैटर बदल गया है शादियां दो फ्रेंड सर्कल्स में होती हैं तो जो बात पहले ये होती थी कि लड़की की माँ से पटेगी या नहीं पटेगी अब ऐसा मुद्दा हो गया है कि लड़की की दोस्त से पटेगी नहीं पटेगी या इवन अगर आप उल्टा भी रखें कि लड़के की मेरी दोस्तों से पटेगी नहीं पटेगी तो रेलेवेंट इश्यू है रेलेवेंट टॉपिक है आजकल अगर आप यंगस्टर से पूछेंगे तो सब ये कहीं ना कहीं झेलते हैं कि जो लड़का या लड़की उन्हें पसंद आ जाता है उसकी कई बार उनके फ्रेंड सर्कल से नहीं बनती है और फिर उन्हें वो बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है मेरे साथ बहुत बार हुआ है ये सिचुएशन कई बार हुई है ऐसे कई बार होता है कि गर्लफ्रेंड को दोस्त पसंद नहीं आता तो और बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच की जो लड़ाई होती है उसमें आप पिसते हो तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ हुआ है मेरे दोस्त के साथ हुआ है जिसको मैं नहीं पसंद था जिसकी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं पसंद था तो ऐसे कई बार सिचुएशन आई है एंड एक बार तो मतलब ब्रेकअप होते होते बचा है तो ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है मेरे लिए तो एंड बट बच गया हूँ हर बार बचाऊँ द फिल्म विल बी अ वॉच आउट फॉर ऑल लवर्स ऑफ वॉर इन लव